इंदौर में यात्री बसों की लगातार हो रही दुर्घटना के बाद जिला प्रशासन ने सजगता दिखाते हुए स्कूल बसों की सुध ली है। बुधवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन ने जिले की स्कूल संचालकों के साथ बैठक की। प्रशासन ने स्कूल संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा। पिछले एक हफ्ते में इंदौर जिले में दो बड़ी बस दुर्घटनाएं हुई है। इन घटनाओं से सबक लेते हुए इंदौर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने स्कूल बसों के संचालन को लेकर अहम बैठक की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बसों के संचालन के लिए गाइडलाइन तय की है, लेकिन जांच में कई बार इस गाइडलाइन का उल्लंघन पाया गया है। बुधवार को जिला प्रशासन ने इंदौर जिले के सभी स्कूल संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिए कि बसों में खिड़कियों पर जाली हो, आपातकालीन द्वार हो, फर्स्ट एड बॉक्स के अलावा फायर उपकरण भी आवश्यक रूप से हो। जिला प्रशासन ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया और कोई स्कूल बस दुर्घटना होती है तो बस के ड्राइवर और क्लीनर के साथ स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अपर कलेक्टर पवन जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्राइवर व क्लीनर्स की ट्रेनिंग और काउंसलिंग आवश्यक रूप से की जाए। देखिए, कलेक्टर सर के निर्देश थे कि स्कूल मैनेजमेंट के जो ऑपरेटर्स हैं, जो स्कूल से अटैच होते हैं, उनसे अनुबंधित होते हैं अथवा स्कूल के ओनरशिप में गाड़ियां रन करते हैं, स्कूल बसें चलाते हैं, उनके सारे मैनेजमेंट के साथ बैठ के जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं, उन निर्देशों के क्रम में एक बार इनको समझाइश भी दी जाए, उनको अवगत कराया जाए। आज ये बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि सारे स्कूल मैनेजमेंट को बुला करके माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो स्कूल बसेस के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं उनसे इनको अवगत कराएं और उनका पालन सुनिश्चित करने का इनसे कमिटमेंट लें। पिछले कुछ सालों में कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं जिसके चलते कुछ लोगों की जान गई है, तो उसके संदर्भ में भी चर्चा की और साथ में सभी स्कूल मैनेजमेंट के जो उनके संबंधित अधिकारी हैं उनको बताया गया है कि इन सब निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। और इसके अलावा यह भी इनको अवगत कराया गया है कि किसी भी तरह की स्थिति में ड्राइवर्स जो हैं वो उनकी काउंसलिंग भी ये लोग करेंगे और उनका एक ट्रेनिंग सेशन भी हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो इनके इनसे चर्चा करके सभी स्कूल वालों से एक ट्रेनिंग सेशन भी रहेगा। बैठक के दौरान स्कूल संचालकों ने मांग करते हुए कहा कि चुनाव के लिए प्रशासन सुबह 7 बजे के बजाय दोपहर 3 बजे बसें अधिग्रहित करे ताकि बच्चों का एक दिन का नुकसान कम होगा। इनका एक टाइमिंग को लेकर इशू था कि जो अभी निकट भविष्य में हम लोग नगर निगम के चुनाव कराने जा रहे हैं उसमें स्कूल बसेस की जो ज़रूरत पड़ती है उसमें सुबह मॉर्निंग में 7 बजे की बजाय 3 बजे इनकी बसेस को बुलाया जाए, तो वो संबंधित जो हमारे अपर कलेक्टर साहब हैं उनको बता दिया जाएगा कि वो उनकी बसेस को, चूँकि यहीं के लोकल में ही बसेस लगनी है, तो 3 बजे से 5 बजे के बीच में सारी बसेस को लोग भेज देंगे। बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी व स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग मौजूद रहे। इंदौर से देवेंद्र मालवीय की रिपोर्ट।